अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में आपको अपने तीन से चार स्पेशल प्लांट्स दिखाऊंगा जिनकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त जारी है, और इनके क्या राज हैं, इनके क्या सीक्रेट्स हैं, किस तरीके से हमने इनको ग्रो किया, तो उसके बारे में समरी बता दूंगा, ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूँ कि ये बहुत सारे प्लांट्स इस वक्त रखे हुए हैं, कि जैसे कि ये इंडोर प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ हैं, फाइलोडेंड्रॉन हैं, स्किनडैप्सिस हैं, डिफरेंट बैकिया है, बहुत सारे एग्लोनिमा हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो इन ये सब इनमें से कुछ प्लांट्स सेल के लिए भी हैं, जिनकी फुल लेंथ वीडियो मैंने इससे पहले रिलीज़ की हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इन प्लांट्स की मैं डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि पहले मैं दे चुका हूं, तो इससे पहले वाली देख लीजिएगा। जिसको लिंक नहीं मिले वो मुझसे मांग सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने कुछ प्लांट्स सिखाता हूं जिनकी ग्रोथ कैसी जा रही है और हमने कैसे इनको ग्रो किया है। तो शुरू कर लेते हैं सबसे पहले इस प्लांट से। ये है फाइलोडेंड्रॉन रिंग ऑफ फायर, जिसके माशाल्लाह आपके सामने है कैसा ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है। ये पूरा एरिया इसने कवर किया है, लीव्स का साइज़ 1 फीट तकरीबन हो चुका है, और इसकी ये स्टेम देखें बहुत थिक है, बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ जारी है। यहाँ से अगर आप देखें आपको बहुत अच्छा इस वक्त लग रहा होगा। ये एक प्लास्टिक के कंटेनर में लगा हुआ है, 10 इंचेस का कंटेनर है। पॉटिंग सॉइल इसका कैसा है वो भी मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा। पॉटिंग सॉइल की मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है कि मैं अपनी इंडोर प्लांट्स को किस तरीके की मिट्टी बनाकर देता हूँ जिसमें वो ऐसे खूबसूरत अंदाज में ग्रो होते हैं। इसके मिट्टी के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अमल करने से प्लांट्स अच्छे ग्रो होते हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, अगर वो फॉलो नहीं होंगी तो प्लांट्स अच्छे ग्रो नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और रिंग ऑफ फायर की ही एक और वैरायटी, एक और कलर, ये है नियॉन। ये देखिए माशाल्लाह, ये भी छोटे कंटेनर में लगा हुआ है, इसको भी हमने सेट नहीं किया था, ये इसी तरीके से आया था, लेकिन ये भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। और ये है इसका वेरीगेटेड, जिसके ये देखें कैसे कलर्स डेवलप हो रहे हैं। ये भी इसी हालत में हमारे पास आया था, इसी कंटेनर में, इसको नहीं चढ़ा, इन दोनों को उसको अभी पॉटिंग सॉइल इनका भी चेंज करना है, तो चेंज करते हुए भी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बना लूँ। और पॉटिंग सॉइल इनका कैसा है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक और बड़ा खूबसूरत सा प्लांट जिसने ये पूरा एरिया कवर किया हुआ है, ये है फाइलोडेंड्रॉन फ्लोरिडा गोस्ट। फ्लोरिडा गोस्ट है या फ्लोरिडा ब्यूटी, मुझे इसका भी कंफर्म नहीं हुआ, मैं खुद अभी इसका कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन यह है एक फाइलोडेंड्रॉन की वैरायटी जिसकी खूबसूरती मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लीव्स का पैटर्न कैसा ज़बरदस्त है, ये देखें। और मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लें कि लीव कितना बड़ा हो चुका है, तमाम लीव्स इसके ऐसे ही हैं। ये भी ये 8 इंचेस या 7 इंचेस के कंटेनर में है ये। तो इसका पॉटिंग सॉइल कैसा तैयार किया वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी खूबसूरती देख लेते हैं, ये देखें जैसे ही ये छोटे गमले में आया था, जैसे ही हमने इनको बड़े गमले में शिफ्ट किया और इनको अच्छा पॉटिंग सॉइल दिया, तो इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। पॉटिंग सॉइल कैसे बनाना है, पॉटिंग सॉइल का सिंपल सा तरीका है, डिटेल वीडियो मैं अभी शेयर कर दूंगा एंड स्क्रीन पर। इसमें करना क्या होगा कि कुछ पार्ट आपने कोकोपीट का लेना है, कुछ पार्ट कंपोस्ट का लेना है, कुछ पार्ट पेमिस या परलाइट, और कुछ पार्ट बालू मिट्टी। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इनकी डिटेल कि कैसा रेशियो होना चाहिए, इनको फर्टिलाइज़र कौन से देना है, इनको कंपोस्ट कौन सी देनी है, खाद की मिट्टी वो काऊ मैन्योर देनी है, कंपोस्ट या वेजिटेबल कंपोस्ट क्या देनी है, उन सब के लिए मैं वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो देख सकते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों के ऊपर रहते हुए इस तरीके के प्लांट्स आप हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही, फिर दोबारा मिलेंगे किसी और प्लांट के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।